गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे कि आप सोच रहे होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी वीडियो अभी हुए हैं उसमें से एक पहले ही वीडियो है जिसमें मैंने पेन होल्डर बनाया था। तो गाइस अब मैं उसको दो बार क्यों दिखा रहा हूँ आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पेन होल्डर मैंने बनाया था उसमें एक चीज़ मैंने क्या करी और किस चीज़ को मैंने अपसाइकिल किया। तो चलिए दिखाते हैं उसको गाइस। वो ये है पेन होल्डर, आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे कलर हैं, देखिए गाइस कितने सारे हैं, लेकिन उन्हीं कलरों में से आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, सोचिए क्या दिख रही है। चलिए गाइस बताते हैं हम, ये देखिए ये गोल्ड कलर की स्ट्रिप्स मैंने इस पर चढ़ा रखी है। वैसे मैंने इसको गोल्ड कलर की स्ट्रिप कहाँ से ली होगी ये सोच रहे होंगे ना, अगर कोई लेना भी चाहे तो वो ले सकता है से कहीं और से, जैसे कि हम पढ़ाई करते किताबें रहती टीचर्स कहते कवर लगाओ कवर लगाओ, हम लोग लगाते हैं। कलर कितनी वैरायटी के आते हैं, ऑरेंज आता ब्राउन आता गोल्ड आता और भी बहुत सारे आते, तो उसमें से आप गोल्ड भी लगा सकते थे। लेकिन मैंने किस चीज़ को अपसाइकिल किया, अब मार्केट जाते गोल्ड पेपर लेते वही कवर वाला या फिर पेपर लेते, तो इन दोनों चीज़ों में से एक कोई भी लेते तो आपके क्या हो रहा है, पैसे तो खर्च हो ही रहे ना। लेकिन मैंने घर ही में बैठ के गोल्ड स्ट्रिप लगाई। तो अब मैं बताता हूँ मैंने ये कैसे लगाई, ये गोल्ड स्ट्रिप्स मैंने गाइस, तो मैंने ये गोल्ड स्ट्रिप्स, आप स्वीट्स खाते होंगे, स्वीट्स भी काफ़ी वैरायटी में आती है, लेकिन उसमें भी पैसे खर्च तो होते हैं, ठीक है लेते हैं अपन खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खाते हैं और जब डब्बा ख़त्म होता है तो कहाँ रखते, घर में तो कोई रखता नहीं, ज़्यादातर लोग कहाँ रखते, डस्टबिन में तो फेंकते ही होंगे, आप लोग भी हैं आप लोग भी डस्टबिन में फेंकते होंगे। लेकिन कुछ स्वीट्स की वैरायटी आती उसमें डिब्बे भी आते हैं और डिब्बे की भी बहुत तरह की वैरायटी होती है। तो जो मैंने खाई थी स्वीट्स, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या खाया था, मैंने खाए थे लड्डू, लड्डू तो आप जानते ही होंगे। तो लड्डू में जो डिब्बा निकला था वो था गोल्ड कलर का, तो जितना एरिया उसका गोल्ड था वो मैंने कैंची से कट किया, लेकिन कट करके मैंने उसको इसमें अपसाइकिल किया, इसमें अपसाइकिल किया। अब आप मेरी बात सुनिए, हम लोग लड्डू तो खाएंगे, अगर मैंने पेपर ले भी लिया था मार्केट से तो भी लड्डू तो आते ही ना, कौन से इसके बदले से नहीं आते, दो दो चीज़ आते दो दो पैसे बार खर्च होते। तो हमने एक ही चीज़ में से दो बार उसे यूज़ किया, अब समझ रहे हैं ना, जैसे कि हमने लड्डू भी खाए और उसका गोल्ड पेपर भी बनाया, यानी कि टू इन वन, दो चीज़ें हमने एक चीज़ में करी। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, तो अब मैंने क्या किया था, आप अभी मुझे देख रहे हैं, इसी के जस्ट पहले मैं कुछ और कर रहा था, चलिए बताते हैं गाइस। ये देखिए शायद आपको कैमरे में ये उल्टा दिख रहा होगा, यानी कि वाई दिख रहा होगा और क्या दिख रहा होगा ए, लेकिन अगर इसको पलट दिया जाए तो ये ए है, तो ये ए इधर आना चाहिए, आपको कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए मैंने इसको बनाया है, अब देख सकते हैं एक ही जैसे मैंने इसको बनाया है, को भी एकदम एक जैसे बनाया और ये बगल के साइड भी मैंने एक
ही बनाई। अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्केल से किया और कलर भी किया तो किस चीज़ से किया। आपके मन में यही दिमाग सोच रहे होंगे दिमाग में कि मैंने ये कैसे किया। तो चलिए गाइस बताते हैं, इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस तो ये मैंने किया था, आपके पापा सेविंग तो करते ही होंगे, सेविंग फॉर्म भी होता होगा उनका, एकदम लंबा गोल और लंबा होता होगा। उसको मैंने स्प्रे करके इसमें किया और फिर मैंने उसको वाटर कलर, या फिर आप और भी कलर से कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कलर हो गए, और भी कलर आते हैं, ड्रॉप कलर भी आते हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं। और फिर इसकी बात आई तो मैंने इधर चिपकाए थे टेप, मैंने इधर चिपकाए थे टेप और इधर भी, जिससे कि ये कलर हुआ और इसके ऊपर नहीं चढ़ा। और बाद में मैंने उस टेप को निकाल दिया था। तो आप इससे एक बेहतर और अपनी पेंटिंग बना सकते हैं, अपनी कस्टमाइज करके। तो मैंने जैसे इसको करी, यानी कि ये एक पेंटिंग मैंने ना करी है, ये सीधी एक प्रिंटिंग हुई है। जैसे कि प्रिंटर होता, प्रिंटर प्रिंट करता, ऐसे मैंने अपने हाथों से होममेड प्रिंटिंग किया, आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो मेरा ही खत्म करते हैं। आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो गाइस ओके बाय बाय, और आप ऐसी पेंटिंग करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप दिमाग से अपने सोचेंगे तो आपके आइडिया फिश की तरह उछलने लगेंगे। तो ओके गाइस, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।